वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, इस तरह के वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस तरह के वीडियो एडिट करके किसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो दोस्तों वायरल होने का चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों इस तरह के वीडियो एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जो है काइन मास्टर। तो चलिए दोस्तों अपना काइन मास्टर ओपन कीजिए, वहाँ पर चल के स्टेप बाई स्टेप आपको बताते हैं एडिट करने के लिए। दोस्तों हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखे दोस्तों प्लस का आइकन है, इसको सेलेक्ट कीजिए। 916 का दोस्तों फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आप लोग वीडियो शूट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो शूट करते समय एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों अपने वीडियो में कुछ इस तरह से खाली बैकग्राउंड शूट कर लीजिएगा, देख लीजिए कुछ इस तरह से। चलिए दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा आगे स्लाइड कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए वीडियो पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैंची का ऑप्शन इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ पे दोस्तों आप झुक रहे हो। देखिए दोस्तों हम यहीं पे झुक रहे हैं। दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों पेंसिल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ से कलर को ग्रीन सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों पेंसिल का साइज यहाँ से फुल कर लीजिए। दोस्तों कुछ इस तरह से उंगली से प्रेस कीजिए, यानी कि दोस्तों जहाँ जहाँ प्रेस करेंगे ना वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, देख लीजिए कुछ इस तरह से। दोस्तों हार्ड राइटिंग को दोस्तों वीडियो के लास्ट पोजिशन तक कर दीजिए कुछ इस तरह से। अगेन दोस्तों लेफ्ट साइड में देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। डुबल कट पर दोस्तों क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जो डुबल केट है ना कुछ इस तरह से स्लाइड करके थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, देख लीजिए कुछ इस तरह से। अगेन दोस्तों ग्रीन इसको कुछ इस तरह से ऊपर कर दीजिए, देख लीजिए कुछ इस तरह से। दोस्तों कुछ इसी तरह से अपने आप को ग्रीन इसको से छुपा दीजिए। दोस्तों उसका डुबल केट बनाइए, थोड़ा सा उसको स्लाइड करके पीछे कीजिए और ग्रीन इसको थोड़ा दोस्तों जूम करके ऊपर कर दीजिए, यानी कि दोस्तों अपने आप को छिपानी है दोस्तों ग्रीन स्क्रीन से। चले दोस्तों फटाफट अपने आप को ग्रीन स्क्रीन से छुपा देते हैं, देख लीजिए कुछ इस तरह से आप लोग भी छिपा दीजिए। देखिए दोस्तों अपने आप को पूरी तरह से मैं छिपा दिया हूँ। दोस्तों यहाँ से डन कर दीजिए। दोस्तों एक बार अपने वीडियो गैलरी में सेव कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, कुछ वेट कीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ से बैक आ जाइए अपने काइन मास्टर के होम पेज पे। अगेन दोस्तों प्लस पे सेलेक्ट कीजिए, 916 का दोस्तों फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जो आपने नॉर्मल कैमरे से वीडियो शूट किए थे ना दोस्तों, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन दोस्तों वीडियो के लास्ट पोजीशन पे आ जाइए। देखिए दोस्तों जो खाली बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट लेनी है, स्क्रीन शॉट लेनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिए। दोस्तों इस वीडियो का कोई काम नहीं है, यहाँ से इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। दोस्तों बैकग्राउंड फोटो को कुछ इस तरह से खींच के 14 या 15 सेकंड तक कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए। मीडिया में जाके दोस्तों जो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया ना दोस्तों, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन दोस्तों अपनी लेयर वाली वीडियो को यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए। कैंची के बगल में देखिए दोस्तों एक डब्बा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ से वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए। अगेन दोस्तों उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ पे दोस्तों आप नीचे देख रहे हो। देखिए दोस्तों हम नीचे यहीं पे देख रहे हैं। दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए। मीडिया में जाकर दोस्तों एक लाइट वाले इफेक्ट को ऐड कर लीजिए। अगेन दोस्तों क्रोमा की के नीचे देखिए दोस्तों एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन को दोस्तों ऑन कर दीजिए। दोस्तों लाइट वाले इफेक्ट को कुछ इस तरह से जूम करके अपने पैर के नीचे रख दीजिए। अगेन दोस्तों उस पार्ट को सर्च कीजिए जहाँ पे दोस्तों आप लाइट को छू रहे हो। देखिए दोस्तों हम लाइट को यहीं पे छू रहे हैं। दोस्तों जो लाइट वाला वीडियो है ना, पीछे का पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों ऊपर कैंची का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए। मीडिया में जाकर दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रोमा की का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ से इनेबल कर दीजिए। दोस्तों ये दोनों पॉइंट को आगे पीछे कुछ इस तरह से करके अच्छे से मैच कर लीजिए, ताकि जो ग्रीन स्क्रीन है दोस्तों अच्छे से रिमूव हो जाए। दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो को कुछ इस तरह से अपने पैर के नीचे अच्छे से मैच कर दीजिए, देख लीजिए कुछ इस तरह से। अगेन दोस्तों अपने लेयर वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रोमा की का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लीजिए ग्रीन, और दोस्तों यहाँ से एनेबल कर दीजिए। दोस्तों ये दोनों पॉइंट को आगे पीछे कुछ इस तरह से करके अच्छे से मैच कर लीजिए, ताकि दोस्तों जो ग्रीन स्क्रीन है दोस्तों अच्छे से रिमूव हो जाए। दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो को कुछ इस तरह से जूम करके अपने पैर के नीचे अच्छे से मैच कर दीजिए। अगेन दोस्तों एक बार अपने वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं कि अपनी वीडियो अच्छे से मैच हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों हमारी वीडियो परफेक्ट मैच हो चुका है। देखिए दोस्तों जो लेयर वाली वीडियो है ना, पीछे का पार्ट एक्स्ट्रा है, इसे कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के लिए लेयर पर क्लिक कीजिए, ऊपर कैंची का ऑप्शन है दोस्तों सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम टू राइट ऑफ फ्लैट कर दीजिए। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग पोजीशन पे जाइए। दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए। मीडियम जाके दोस्तों स्काई वाले फोटो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों स्काई वाले फोटो को कुछ इस तरह से जूम करके आसमान पे फिक्स कर दीजिए।
दोस्तों क्रोमा की के नीचे देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इसे सेलेक्ट कीजिए और दोस्तों ओवरले पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों कैपेसिटी को यहाँ तक माइनस कर दीजिए, दोस्तों यहाँ से डन कर दीजिए। दोस्तों स्काई वाला फोटो को कुछ तरह से खींच के वीडियो के बराबर कर दीजिए। अगेन दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाइए। दोस्तों वीडियो में म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और म्यूजिक को दोस्तों यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप लोग को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए अपनी वीडियो कैसी एडिट हुई है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसे ट्रेंडिंग VFX वीडियो का टोटल डेली लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो को गैलरी में सेव और शेयर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो भी आप क्वालिटी में चाहते हैं दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।